एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर वन, उसमें बोला है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी डी ए एसी इज डायगोनल शो दैट एस आर इज पैरेलल टू एसी। चलो भाई एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है, बनिए ये क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद क्या बोला है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, कर दिया। ठीक है, और इसका नाम क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, और मिड पॉइंट्स का नाम क्या है, पी क्यू आर एस। उसने एक डायगोनल भी बनाया इसका, ये रहा डायगोनल, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है पहला पार्ट, शो दैट एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। एस आर का है भाई, एस आर ये ए सी है, ठीक, एस आर ये ए सी है, पेन नीचे रख दो फटाफट, सिर्फ समझ लो। हाँ जी, एस आर ये ए सी है, हमें प्रूव करना है कि एस आर इसके पैरेलल है, ठीक है। कौन से ट्रायंगल में आ रहा है बेटा ये दोनों, कोई ट्रायंगल में आ रहे हैं, कौन सा, डी ए सी में आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल डी ए सी, इन ट्रायंगल डी ए सी एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसकी है, ए डी एंड एस, किसका मिड पॉइंट है, ए डी का, और आर किसका मिड पॉइंट है, सी डी रेस्पेक्टिवली। कि मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि एस ए डी का और आर सी डी का मिड पॉइंट है ट्राइंगल ए बी ए डी सी में, ठीक है। चलिए तो हम क्या कह सकते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि किसी ट्राइंगल में अगर कोई लाइन दो ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट पर कट करती है तो वो लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। तो दो लाइंस दो साइड्स के मिड पॉइंट मिल गए तो तीसरी साइड कौन सी है, तुम बताओ, दो साइड, हाँ ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, तीन, दो साइड्स मिल गई जिनके मिड पॉइंट हमें पता है, तो तीसरी साइड कौन सी बची, ए सी, तो एस आर क्या हो जाएगा, ए सी के पैरेलल, क्या बोला, पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा भाई, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड, और मिड पॉइंट थ्योरम से आप कह भी क्या कह सकते हैं कि हाफ ऑफ ए सी होगा, ठीक है, क्लियर है। सेकंड पार्ट क्या है इसमें प्रूव करने के लिए, सॉरी पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो अगर पी क्यू को एस आर की इक्वल कर दे कैसे होगी, देखो एस आर इसका हाफ है तो अगर पी क्यू भी इसका ही हाफ हो तो काम बन जाएगा, ये सुन लो, ठीक है भाई। अगर एस आर भी इसका हाफ है पी क्यू भी इसका हाफ है तो इसका मतलब पी क्यू और एस आर इक्वल है, क्या बोला, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ पी क्यू किस ट्राइंगल में दिख रहा है तुम्हें, तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी,
पी इज पी एंड पी एंड क्यू आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि पहले नंबर पे जो आई है वो पहली साइड का मिड पॉइंट है और जो दूसरे नंबर पे क्यू लिखा है वो दूसरे साइड का मिड पॉइंट है. ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. क्या हो जाएगा भाई, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, पी क्यू ए सी के पैरेलल हो जाएगा और पी क्यू हाफ हो जाएगा ए सी का. ये सुनो, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन इक्वेशन वन में एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है और पी क्यू भी. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. तो वो हमें लिखना थोड़ी ना, पाकिस्तान में सीपीसीटी क्या होता है, तुम एक बात बताओ, अगर तुम बाइक से जा रहे हो ठीक है और तुम्हें लेफ्ट मुड़ना है तो अपने स्टीयरिंग को किस साइड मोड़ोगे, लेफ्ट साइड. बाइक में होता है स्टीयरिंग, नहीं होता ना, है ना, तो जो चीज जहां है वहीं लगेगी ना. कहां लगती है वो, सीपीसीटी का फुल फॉर्म पता है क्या होता है, नहीं पता. तुम बताओ भाई, नाम ही याद रखते, फुल फॉर्म याद रखते तो पता चल जाता, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में लगता है. ठीक है, चलो फिर सेकंड पार्ट क्या है इसका, सॉरी पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, चलो थर्ड पार्ट, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, यही प्रूव करना है हमें. एक बात बताओ, हम क्या प्रूव कर चुके हैं, हम प्रूव कर चुके हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी और एस आर इज पैरेलल टू, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर. ठीक है, एंड वी नो पी क्यू किसके इक्वल है, एस आर की इक्वल है. तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम. ठीक है, हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, सिंपल, इक्वल भी हो गए पैरेलल भी हो गए. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी ए बी सी सो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. इस क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई, देखो जरा, रोम्बस दिया हुआ है, ये रहा रोम्बस. ठीक, अब क्या करना है, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, है ना, तो मिड पॉइंट ज्वाइन कर दो भाई इसके, एक मिड पॉइंट, दो मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट. हमें क्या प्रूव करना है, ये पीक ए बी सी डी रोम्बस है, लेट्स से ये ए बी सी डी, ए बी का मिड पॉइंट क्या है बेटा, पी, बी सी का क्यू, सी डी का आर और डी ए का. प्रूव क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर टू है ना,
तो प्रूव करना हमें पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है बेटा ये बताएगा नैतिक। जिस फिगर में दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं वो रेक्टेंगल होता है। देखो ये साइड है ए बी और ये साइड है सी डी, ये दोनों पैरेलल बोल रखी है, तो क्या ए बी सी डी यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया? तो तुमने तो यही बोला है ऐसी फिगर जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो। क्वाड्रिलेटरल को पैरेलल रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या चाहिए मिनिमम चीज? हाँ बताओ सिंपल है ना। तो हमें क्या करना है कि एक तो ये करना है कि पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव कर देना है, ठीक है, और उसके बाद कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देना है, सिंपल है। या फिर एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दे, क्या वो रेक्टेंगल हो जाएगा? और सॉरी रेक्टेंगल की नहीं बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल में अच्छा चलो मान लो स्क्वायर की बात कर रहा होता तो अगर मैं एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल कर दूं तो क्या वो स्क्वायर हो जाएगा? पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स पड़ोस वाली साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है, तो क्या वो पैरेललोग्राम स्क्वायर होता है? लिख लो कहीं छूट ना जाए, है ना, दिमाग में तो लिखना नहीं है, कहाँ लिखना है, नोटबुक पे, इनमें रोटियां ही बनेंगी तो कुछ दिनों बाद, है ना। हाँ भाई क्या प्रूव करना है इसको हमें? रेक्टेंगल, तो पैरेललोग्राम प्रूव कर दो कोई भी एक एंगल 90 डिग्री इक्वल प्रूव कर दो, कर दोगे? अच्छा पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पिछले क्वेश्चन में भी तो हमने पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव किया है, तो लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए था? एक डायगनल जो कि उसने बना के दिया था, इस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हम क्यों ना एक डायगनल बना ले, बना ले, चलो बना लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास डायगनल है, ठीक है। तो भाई तुमने कंस्ट्रक्शन की है तो कंस्ट्रक्शन लिख भी दो। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, क्या किया है, जॉइन जॉइन ए टू सी कर दिया भाई, ठीक है कर दिया ना। अब उसके बाद क्या करेंगे एक बार बताओ, कौन सा ट्राइंगल ले? इन ट्राइंगल एडीसी, एस क्या है, एस एंड आर आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड डीसी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा भैया? एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी, ठीक है, पैरेलल टू ए सी इक्वेशन वन। दूसरा अच्छा इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? एस आर इज हाफ ऑफ ए सी, ये इक्वेशन वन ले लेते हैं पूरी, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल होगा बेटा? ए बी सी होगा, ए बी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? PQ is parallel to AC
एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, तो ये हो गई इक्वेशन टू। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बाय इक्वेशन वन एंड टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स, ये ऑपोजिट ही तो है पी क्यू और एस आर, ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हों और इक्वल भी हों तो वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हेंस पी क्यू आर एस इज अ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब क्या करें, ये वाला बना दिया। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ओ। ठीक, एक बात बताओ, ये दोनों मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। कैसे, जैसे ये वाली साइड इसके पैरेलल थी। चलो मत करो, ये तो इसके पैरेलल ही है, ये सुन लो। ठीक है, और तुम कह सकते हो ये 90 डिग्री है, ये सुन लो। देखो तुम इसमें ऐसे कर लो, सिमिलरली बड़ा बढ़िया वर्ड है, जैसे तुमने एस आर को इसके पैरेलल किया था, पी क्यू को ए सी के पैरेलल किया था, ऐसे ही तुम पी एस को किसके पैरेलल कर दोगे बेटा, बी डी के, एंड एस आर भी या क्यू आर भी किसके पैरेलल हो जाएगा, बी डी के। ठीक है, तो पैरेलल क्या क्या चीज है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ठीक है, तो ये ओ हो गया, ये हमारे पास लेट्स से क्या ले, पी क्यू आर एस, ये हमारे पास टी हो गया, ये हो गया हमारे पास यू। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, यू। ठीक, तो अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ये ओ टी क्यू यू, ओ टी क्यू यू, ये सुन लो, ओ टी क्यू यू, ओ टी क्यू यू के पैरेलल होगा। क्यों, क्यों होगा भाई अमित, बताओ भाई, क्योंकि ए सी तो पी क्यू के पैरेलल ही है, ए सी ये पूरा ही इसके पैरेलल है, तो इसका थोड़ा सा पार्ट भी तो पैरेलल ही रहेगा, तो ओ टी किसके पैरेलल रहेगा, क्यू यू के, एंड ओ यू किसके पैरेलल रहेगा, टी क्यू के। तो हम कह सकते हैं ओ टी क्यू यू क्या है, ओ टी क्यू यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और ओ टी क्यू यू में हमें पता है कि एंगल टी ओ यू कितना है, 90 डिग्री, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल यू क्यू टी भी 90 हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम में।
हो गया बस। तो अब पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल 90 हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन क्या कहेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल या इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, किसी भी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री मतलब रेक्टेंगल, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ रही बात।